लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रखी थी। लोक आस्था का महापर्व 25 मार्च यानी शनिवार से नहाए खाए से शुरू हुआ था। वहीं 28 मार्च को सुबह यानी मंगलवार के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर समाप्त हुआ, जहां नालंदा जिले के वडगांव और औरंगी धाम में बिहार राज्य एवं अन्य राज्यों के कोने कोने से छठ व्रती पहुंचकर महापर्व मनाया। वहीं चैती छठ पूजा को लेकर बड़गांव और औरंगी धाम के धार्मिक व पौराणिक महत्व है। औरंगी धाम को सूर्यपीठ के रूप में भी धार्मिक व पौराणिक मान्यता है। यहां का भी इतिहास श्री कृष्ण के पौत्र राजा शंभ से जुड़ा है। यही कारण है कि पूरे देश से यहाँ लोग छठ पूजा करने आते हैं। वे सुनने में आया था, उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन सुनी सुनाई बात है जो पूर्वज से लोग कहते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लड़का सांप को कुष्ठ रोग हो गया था। उसका निदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने ही उपाय बताए कि तुम अपने हाथ से 12 सूर्य को स्थापित करो, तुम्हारा कुष्ठ रोग है जो कि निदान हो जाएगा। और एक ही दिन में 12 सूर्य को स्थापित द्वापर में किया गया था, जो पहले में औरंगाबाद में देव है, दूसरा ओंगारी है, फिर बड़गाम है और नौगांव उत्तर तक चलाई। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? अदर स्टेट से भी आ जाते हैं, कलकत्तों से आ जाते हैं, सब मैंने दूर दूर से ही आते हैं। ऐसी बात नहीं, बिहार से अलग भी स्टेट से भी आ जाते हैं। नाम बोले अपने के? देव कुमार पांडे। सूर्य भगवान की यहाँ उपासना होती है, इसके अति आशा और उम्मीद लेकर करके लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा से इतना लोगों से चारों ओर से आते हैं लोग। क्या महत्व है औंगारी धाम का? महत्व है कि यहाँ के लोगों को विश्वास है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने से थी हमारी जो कुष्ठ व्याधि है, मनोकामना के कुष्ठ व्याधि दूर हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण होगी, अपने बाल बच्चों के लिए, पति के मांगने के लिए, इन सारी उम्मीद लेकर के आते हैं। और जिनकी पूरी होती है वो आस्था के साथ पूरे विश्वास के साथ आ करके ये सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष भास्कर उंगारी। चैत और कार्तिक के दो माह में छठ व्रतियों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। लोग यहाँ आकर छठ पूजा करके मन्नतें भी मांगते हैं और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ आकर मन्नतें उतारते भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ सभी तरह के रोग व्याधि दूर दुख आदि दूर हो जाते हैं। वहीं बात करें राजधानी के खौल, फुलवाड़ी व दानापुर की, तो हर साल की अपेक्षा इस साल इन रूटों पे काफी भीड़ देखी गई। जहां नगर प्रशासन ने भी इस पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी, वहीं पुलिस बलों ने भी अपना कमान बाखूबी निभाया। नमस्कार, आज हम खौल के छठ घाट पे मौजूद हैं और ऐसा यहाँ आने के बाद महसूस हो रहा है कि काफी खूबसूरत माहौल क्रिएट किया गया है नगर प्रशासन द्वारा। जहाँ हर साल यहाँ चैती छठ में कम भीड़ हुआ करती थी, पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी भीड़ देखने को नजर आ रही है। साथ में यहाँ श्रद्धालु भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ चैती छठ नहीं, कार्तिक का छठ है। इस महापर्व में सब कोई, पूरे समुदाय, पूरे जगह के लोग लगता है उपस्थिति अपना दर्ज करवा कर पूजा में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं खौल में इस चैती छठ के माहौल को नगर परिषद द्वारा और प्रशासन द्वारा, स्थानीय लोग द्वारा कैसे सजाया गया। खगौल नगर परिषद के समस्त जनतागण को जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, साफ सफाई का, वो सभी हम लोग खगौल नगर परिषद की ओर से पूरी तत्परता के साथ आज पिछले 10 दिनों से लगे हुए थे कि ताकि जितने भी पूजा करने वाले लोग आए उनको ज्यादा से ज्यादा
सुविधा मुहैया हो खगौल नहर पे और चकरदहा घाट दोनों जगह पर हम लोगों की पूरी टीम खगौल नगर परिषद की पूरी टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई थी, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि ये भव्य तरीके का जो ये पूजा का आयोजन है ये पूरी सफलता पूर्वक आज अब समापन की ओर अग्रसर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत बढ़िया खगौल नगर परिषद के जनता लोगों से फीडबैक भी मिल रहा है और आगे आने वाले जो कार्तिक पूजा होता है हम लोग बराबर युद्ध स्तर पर लगे रहते हैं कि जितनी ज्यादा सुविधा उनको मिले और उसमें हमेशा हम लोग पूरी तत्परता के साथ लगे रहेंगे और पूजा आए और खगौल नहीं खगौल से बाहर हट के लोग पटना से एवं अन्य जगह के लोग आए और इस घाट पे पूजा करें क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शांति और सुरक्षित घाट है। मैं सुजीत कुमार अध्यक्ष नगर परिषद खगौल। शांतिपूर्ण से संपन्न हो रहा है और विजय भी हो चुका है और सभी जगह फोर्स की व्यवस्था की गई थी और लगभग होने के बाद आग देकर के हम लोग निकल भी रहे हैं और सारा शांतिपूर्ण है, सारी सभी जगह फोर्स की प्रदान की गई थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, कहने का तो ये अर्थ है कि पहले तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम दिखाई देता था चैत में, लेकिन इस बार ऐसी भीड़ देखी जा रही है, ऐसी उमंग उत्साह देखी जा रही है जो मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं दिखाई देता। और आज हम जो यहाँ व्यवस्था और चीज देख रहा हूँ ये लग रहा है कि कार्तिक छठ की तरह व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है, चनिंग भी लोगों में चनिंग दिखाई पड़ रही और मौसम भी लोगों को साथ दे रहा है, मौसम भी कार्तिक का है। मैं विकास सरपंच हमारे साथ सरपंच साहिबा वंदना देवी मैं दोनों आज छठ का आनंद लेने आया हूँ और उनके पति देव है रूपेश कुमार, हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ छठ का व्यवस्था भी देख रहे हैं और छठ का उमंग और उत्साह भी देख रहे हैं। अच्छा लगता है ये उगते हुए सूरज को आग देकर पर्वत के साथ हमें भी अच्छा लगता है और जय छठी मैया। हर बार की अपेक्षा इस बार भीड़ काफी देखी जा रही है, इस बार तो काफी ज्यादा भीड़ है और ये पहले लोग कम करते थे चैती छठ, अब ये लोग भी काफी लोग भी बड़ी मात्रा में करने लगे हैं यहाँ पे। नगर प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम है? नगर प्रशासन सुनील गोप और सुजीत भैया के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, बाकी जितने भी वार्ड पार्षद यहाँ बिट्टू भैया है बाकी लोग भी है, खासकर हमारे